हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है रेलवे ग्रुप डी की लेके। जो अभी वैकेंसी आई थी 2019 में 1.3 लाख, जिसमें से 1 लाख आपको बताया जा रहा था न्यूज़पेपर या जो भी ऑफिशियल अपडेट कुछ दिन पहले भी आई थी, जिसमें 1 लाख जो वैकेंसी थी जो लेवल 1 की जो ग्रुप डी की थी, जिसमें से बताया जा रहा था कि सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप की। लेकिन दोस्तों, अभी बहुत बड़ी खुशखबरी ये आ रही है कि जो 10th पास भी है वो भी इसको अप्लाई किया कर सकते हैं, जो ऑफिशियल है। चलिए, हम आपको जो पीयूष गोयल अपने ट्विटर अकाउंट पे अपडेट करके बताया गया है कि इसमें सिर्फ 10th पास भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पहले भी बता दें कि 2018 में भी जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें भी आपको बता दिया गया था कि आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसमें ITI खोजा जाएगा, लेकिन नहीं, फिर से आपको इस बार फिर से चेंज कर दिया गया। तो चलिए, हम आपको ऑफिशियल न्यूज़ दिखाते हैं और जो ऑफिशियल अकाउंट पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपडेट करके बताया है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, हम आपको उस ऑफिशियल ट्वीट जो करके बताया गया है उस वहाँ पे आपको दिखाते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे पीयूष गोयल के ट्विटर अकाउंट पे आप आइएगा तो देखिए, ये ओरिजिनल है। जैसे यहाँ पे टिक लगा हुआ है ना, तो ये आप ओरिजिनल है इनके। तो देखिए, यहाँ पे ट्वीट एंड रिप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो जस्ट नीचे आइएगा तो देखिए, यहाँ पे 2 घंटे पहले ही अपडेट करके बताया गया है। देखिए, अब और अधिक युवक कर सकते हैं रेलवे में आवेदन लेवल 1 पोस्ट के लिए, जो योग्यता है 10वीं पास या ITI या उसके समक्ष जो भी क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, ये आपको अपडेट करके बताया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, रेलवे में लेवल 1 पोस्ट के लिए 10th पास, ITI या उनके समक्ष शैक्षिक योग्यता रखने वाले भी कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों, देखिए, आपको बहुत अच्छी खबर आ रही है। पहले आपको ITI खोजा जा रहा है, आपको 2018 में भी बता दिया गया था कि 2000 इस बेर भर लीजिए, लेकिन अगले बेर से जो भी वैकेंसी आएगी उसमें ITI खोजा जाएगा, लेकिन नहीं, फिर से चेंज करके इन्होंने 10th पास को भी कर दिया गया। तो ये आपका कल जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर कर दिया। देख लीजिए, यहाँ पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर अकाउंट पे अपडेट करके बताया है। तो दोस्तों, आपको लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब 10th पास करने वाले भी अप्लाई इसको कर सकते हैं। नहीं तो उधर मात्र 30,000 वैकेंसी छोड़ा जा रहा था, जिसमें NTPC, TC, पैरामेडिकल जो भी है, ज़्यादा उसमें क्लर्क की जॉब थी, जो कंप्यूटर टाइपिंग वोपिंग की जॉब थी उसमें बचा हुआ, सिर्फ 1 लाख वैकेंसी जो थी उसमें सिर्फ ग्रुप डी की वैकेंसी थी, जिसमें ITI पहले कहा जाता लगता था, लेकिन अब वो उन्होंने 10th पास को भी इसमें अप्लाई, मतलब इसको कर दिया है कि जो 10th पास भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर कोई भी कमेंट है तो डाउट कमेंट में डाउट को क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके, या ईमेल भी करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आता है तो हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।